दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिभा रसोई हिंदी में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी जीरा आलू, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बिल्कुल बनाने जा रहे हैं हम होटल स्टाइल में। तो यह देखिए, मैंने मेथी ले ली है, करीबन आधी किलो मेथी है और आधी किलो ही हमने आलू ले लिए। और यह लिए हमने इसके साथ ही 3 टमाटर, ये देखिए लाल लाल एकदम टमाटर लिए हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे मेथी से। और मेथी को हमने अच्छे से साफ कर लिया था, क्योंकि मेथी में टाइम लगता है साफ करने में, तो ये काम हमें पहले से करके रखना है। और यह देखिए, हमने छोटे छोटे आलू लिए, जो छोटे आलू से मेथी की भुजिया है जो अच्छी बनती है, मेथी जीरा आलू की सब्जी। तो यह देखिए, छोटे आलू होंगे ना, जितनी आपकी मेथी जीरा आलू अच्छे बनेंगे। ये देखिए, छोटू मोटू आलू लिए हमने, तो चलिए हमने इनको अलग कर लिया है। अब बात आती है हमारी मेथी की, तो यह देखिए बिल्कुल सर्दियाँ शुरू होने वाली है कुछ दिनों में, तो यह देखिए मेथी है जो आने लग गई है मार्केट में खूब। और मेथी खाने से बहुत अच्छा फायदा है होते हैं हमारे, और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यह देखिए बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हमने मेथी ले ली, मेथी को अच्छे से साफ कर लिया था, कूड़ा वगैरह जो हटा लिया हमने। ये देखिए कुछ इस तरीके की मेथी थी, कूड़ा वगैरह वो हटा लिया हमने और अच्छे से साफ कर लिया है। अब मेथी को हमने अच्छे से साफ करने के बाद 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लिया है, ताकि जो मिट्टी वगैरह हो वो अच्छे से साफ हो निकल जाए। ये देखिए, तो चलिए अब मेथी को धोने के बाद में अब हम इसकी करते हैं कटिंग। तो पहले हम एक छाबड़ी में निकाल लेते हैं इसको, ताकि पानी है जो अच्छे से निचोड़ जाए मेथी का। हमने मेथी को अच्छे से धो लिया 2 से 3 बार, अब हमने पानी से बाहर निकाल लिया छाबड़ी में। अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो पानी को अच्छे से निचोड़ने दें, अगर आपको जल्दी है तो आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हो। तो चलिए अब इसको हम रखते हैं, तो देख सकते हो आप कितना पानी निचोड़ रहा है। वैसे तो ये पहले से आधे घंटे पहले आप धो के रख देंगे ना, तो जो मेथी में से पानी है वो निकल जाएगा अच्छे से। तो चलिए अब हम मेथी की करते हैं कटिंग। तो देखिए मेरी मेथी कटिंग करने की स्टाइल, और आप कैसे काटते हो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं तो भाई ऐसे काटती हूँ, और गांव में तो हिसिया से काटते हैं। तो इस तरीके से हम बारीक बारीक मेथी काट लेंगे। तो इसी तरीके से सारी मेथी है जो हम काट के तैयार कर लेंगे। जितना बारीक मेथी काटोगे ना, उतनी आपकी सब्जी है जो अच्छी बनेगी। तो यहाँ हमने मेथी को भी काट लिया, इधर हमने आलू को भी काट लिया। आलू हमने छिलके समेत काटे हैं, क्योंकि आलू के छिलके होते हैं ना, छिलके समेत बनाएंगे ना तो आलू और मेथी की सब्जी है जो बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, चलते हैं अब गैस की तरफ। तो यहाँ हम गैस की तरफ आ गए, गैस पे चढ़ा दी हमने एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे तेल 2 बड़े चमचे। तो यहाँ देखिए हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया, अब डालेंगे यहाँ पे 1 छोटी चम्मच जीरा। अब जीरे को अच्छे से सिकने देते हैं हम। तो जीरा अच्छे से सिक चुका है, अब डाल देंगे यहाँ पे हींग पाउडर, और इसके बाद में हम आलू को डाल देते हैं तेल के अंदर। तो यहाँ देखिए हमने आलू को डाल दिया है, और अब आलू को हम फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे नमक, ताकि आलू है जो अंदर से बिल्कुल भी फीके नहीं रहे, नमकीन हो जाए आलू थोड़े से। तो चलिए नमक डाल देते हैं, नमक हमने डाल दिया। अब आलू को हम लगातार चलाते हुए हल्के से इनको गला लेंगे, या फिर लो फ्लेम पे आप ढक के भी रख सकते हो, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे इनको। तो यहाँ देखिए हमने आलू को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिए लगातार चलाते हुए, और आलू हमारे गल भी गए हैं, देखिए अपने आप टूटने लग गए हैं। तो यहाँ पे हमने 4 लाल मिर्ची डाली है इसके साथ ही, और अब डाल देते हैं यहाँ पे मेथी। अब मेथी को भी हमें फ्राई करना है लगातार चलाते हुए,
मेथी को आलू के साथ में हल्का सा फ्राई कर लेंगे ना तो आपकी मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। बहुत से लोग होते हैं मेथी खाना भी पसंद नहीं करते हैं, और इस तरीके से बनाएंगे ना एक बार मेथी जीरा आलू की सब्जी, तो उंगलियां तो उंगलियां प्लेट भी चाट चाट के खाएंगे, और जो नहीं खाता होगा ना वो भी दौड़ दौड़ के खाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से मिला लेना है, तो यहाँ हमने मिला दिया और थोड़ी सी मेथी और डाल दी। तो बस अब हमें वापस से 1 मिनट तक चलाना है ताकि हमारी मेथी भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ हमने मेथी को भी देखिए फ्राई कर लिया अच्छे से आलू के साथ में ही। अब डालते अपने मसाले, मसाले हम सिंपल से डाल रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालेंगे। और अब तो चलिए मसाले डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम डालेंगे सबसे पहले हल्दी पाउडर, और डाल देंगे यहाँ पे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्ची, और इसी के साथ ही डाल देंगे यहाँ पे बारीक कटे हुए चॉप करे हुए टमाटर, तो बस यहाँ पे हम अच्छे से मिला लेंगे मसालों को और टमाटर को। तो यहाँ हमने टमाटर और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे। मेथी को हमें पूरी तरह से नहीं गलाना है, थोड़ा सा क्रंची और थोड़ा सा ये कम पकेगी ना तो बहुत टेस्टी लगती है। पूरी मेथी को हलवा नहीं करें आप, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाया लो फ्लेम पे। यहाँ हमारा 1 मिनट हो गया, ढक्कन को हटा लेंगे और ढक्कन हटा के चेक करते हैं। तो अब डाल देंगे यहाँ पे हम मिलाने से पहले भुना हुआ जीरा, जैसे हमने बोला था ना हम बनाने जा रहे हैं मेथी जीरा आलू की सब्जी, तो यहाँ पे हम भुना हुआ जीरा डाल रहे हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और आपके मेथी जीरा की आलू की सब्जी है जो बहुत ही बन के तैयार होगी। तो इस बार आप ज़रूर बनाइए इस तरीके से मेथी जीरे की सब्जी। तो यहाँ हम अच्छे से मिला लेते हैं जीरा पाउडर को भी। तो लीजिए हमारी मेथी जीरा आलू की सब्जी है जो बनके तैयार है। अगर आपको मेथी जीरा आलू की सब्जी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए।